आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोरेपन के लिए यूज़ की जाने वाली सबसे सेफ क्रीमों में से एक क्रीम के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोवाइट एक्टिव जेल के बारे में। इससे पहले दोस्तों, मैंने मेलाग्रेस स्किन वाइटनिंग क्रीम का रिव्यू किया था, वो दोस्तों हमारे फेस के लिए सेफ थी और वो भी हमारे फेस को स्किन वाइटनिंग यानी कि गोरा बनाने के लिए यूज़ की जाती थी। तो दोस्तों, उस वाली क्रीम में अलग प्रकार के इन्ग्रीडियंट्स का यूज़ किया जाता था, बट दोस्तों इसमें भी लगभग 50% सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, बट दोस्तों और थोड़े से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग हैं, बट दोस्तों वो सारे ही हर्बल और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, किसी प्रकार के हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाली क्रीम आपके लिए सेफ़ है, इसलिए ही मैं इस क्रीम का आपके लिए रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं किसी भी प्रकार की जो स्टेरॉयड वाली क्रीम होती है उनके बारे में आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता और सजेस्ट भी नहीं करता। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कोवाइट एक्टिव जेल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे और जानेंगे इसके यूजेस, बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसके एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स के बारे में, क्योंकि दोस्तों किसी भी क्रीम के अंदर जो मेन इन्ग्रीडियंट्स का यूज़ किया जाता है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और उन्हीं से डिसाइड होता है कि ये क्रीम हमारे फेस के लिए सेफ़ है या नहीं, क्या इसके हमारे फेस पर कोई साइड इफेक्ट दिखाई देंगे या नहीं। तो फ्रेंड्स, इन्ग्रीडियंट्स की बात करें तो इसमें कोजिक एसिड डिप्लामेट 2% का यूज़ किया है, अर्ब्यूटिन 1.5%, ऑक्टिनोजेट 7.5%, विटामिन ई 1%, मलबरी एक्सट्रैक्ट 1% इसमें यूज़ किया है और दोस्तों बेस के लिए इसमें जेल यूज़ किया है। तो दोस्तों, ये एक जेल फॉर्म में क्रीम तो नहीं है, बट दोस्तों ये एक क्रीम क्रीमी फॉर्म में ही है। सो गाइस, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स को देखने के बाद में हमें पता चलता है कि इसमें किसी प्रकार के स्टेरॉयड या फिर हार्मफुल केमिकल्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, जैसा कि दोस्तों और जो हाइड्रोक्विनोन क्रीम होती हैं वो हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानकारी होती हैं। मैंने हाइड्रोक्विनोन क्रीम के ऊपर काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है और दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ कि वो हमारे फेस के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होती, उनके हमारे फेस पर साइड इफेक्ट देखने को मिलते ही मिलते हैं, जैसे कि दोस्तों पेंड्रम प्लस की क्रीम हो गई, मेटाकॉर्टल लाइट क्रीम हो गई, स्किन ब्राइट क्रीम हो गई, मेलास क्रीम हो गई और दोस्तों स्किन साइन और स्किन ब्राइट स्किन लाइट क्रीम तो है ही मार्केट में, जो कि हमारे फेस के जो ऊपरी लेयर को होती है उसको बर्न करती है और जो हमारी नई लेयर आती है वो हमें ऐसा लगता है गोरी होते हैं। तो दोस्तों वो है ना, थोड़े टाइम के लिए ही ऐसा होता है कि हमारे फेस गोरा गोरा सा लगता है, बट दोस्तों जब हम धूप के संपर्क में आते हैं या फिर डस्ट वगैरह हमारे फेस पर जमती है, सही प्रकार से हम अपने फेस की केयर नहीं कर पाते और उसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हैं तो वो हमारे फेस पर साइड इफेक्ट छोड़ जाती है, बट दोस्तों ये वाली क्रीम हमारे फेस के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। बात करें दोस्तों सेकंड नंबर पे इसके प्राइस की, तो फ्रेंड्स इसके ऊपर प्राइस मेंशन की हुई है ₹215 और दोस्तों वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की जो क्रीम है, जैसे दोस्तों मैंने इससे पहले रिव्यू किया था क्लियर्स प्लस क्रीम का जो कि डॉक्टर रेडीज कंपनी की तरफ से आती थी, वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इससे महंगी थी। तो गाइस, ये वाली क्रीम आपके बजट में भी आ जाएगी अगर आप इसको परचेस करने की सोच रहे हैं तो। और दोस्तों जब हम इसे हमारे फेस पर अप्लाई करते हैं तो दोस्तों ये हमारे फेस पर आसानी से ऑब्जर्व भी हो जाती है, इसको यूज़ करने के बाद में हमारा फेस बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लगता। बात करें दोस्तों इसको यूज़ करने के तरीके की, तो दोस्तों अपने फेस को आप इजीली वॉश कर लीजिए और ज़्यादा आप धूप में मत जाइएगा। इसकी पैकेजिंग पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाइएगा, अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में जाएंगे तो हो सकता है आपके चेहरे पर जो रेडनेस की प्रॉब्लम है वो हो जाएगी। और दोस्तों ज़्यादातर क्रीमों को यूज़ करने के बाद में अगर आप धूप में जाएंगे तो आपके फेस पर रेडनेस की प्रॉब्लम होने के कुछ चांसेस रहते हैं, यानी कि दोस्तों चांसेस तो रहते हैं बट दोस्तों गारंटी नहीं है कि रेडनेस आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम कोई भी प्रकार की ऐसे गलती ना करें जिससे कि हमारे फेस पर कुछ प्रॉब्लम देखने को मिले। तो दोस्तों अगर आपके फेस पर रेडनेस की प्रॉब्लम आ जाएगी तो वो बाद में डार्कनेस में बदल जाएगी। तो गाइस, आप इसको ओनली नाइट में ही यूज कीजिएगा। अपने फेस को आप इजीली वॉश कर सकते हो, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कोई ऑयली स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉश सेलेक्ट करना, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ड्राई स्किन के हिसाब से अपने फेस वॉश सेलेक्ट करना। और गर्मियों का सीजन आ गया है तो दोस्तों आप सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। और दोस्तों मेरे पास एक स्किन लाइट की सनस्क्रीन आई है, उसके बारे में भी मैं आपको रिव्यू करके बताऊँगा कि वो कैसी है या नहीं।
तो फ्रेंड्स इस क्रीम के जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमारे फेस के लिए कम्प्लीटली सेफ है, किसी प्रकार के आपको साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। बट दोस्तों आपको सही तरीका इसको यूज करने का आना चाहिए, आप गलत तरीके से इसका यूज नहीं करें। तो दोस्तों आपकी मर्जी है आप इसका यूज करें या ना करें, मैंने आपको सिर्फ इसके बारे में बताया है, आगे आपकी मर्जी है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इसको ऑनलाइन खरीद भी सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, वीडियो लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर देना। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।